आज सतना से कुछ बच्चे आए हुए हैं, लगभग 50-60 बच्चे, और हम लोग पूरा भोपाल का उनको पिकनिक टूर करवा रहे हैं। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं पीपल्स मॉल, और यहाँ पर ये देखो, एक नहीं इसके आगे भी मुंह रहता है, पीछे भी मुंह है। अच्छा, आगे भी मुंह, पीछे भी मुंह। भाई वाह यार, दोस्त होते हैं वो। ठीक है भाई, बाय, मिलते हैं फिर, है ना। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से मैंने अपना व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको क्या दिखाने लग रहा हूँ। तो आज हम लोग आए हैं बिरला मंदिर, जो कि भोपाल में ही है, और आज चंद्र ग्रहण होने के कारण ये मंदिर सुबह काफ़ी जल्दी बंद हो रहा है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, सो मैं आपको मंदिर के अंदर का टूर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आप कभी आएंगे यहाँ तो आराम से अंदर भी घूमिएगा, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है अंदर का। सो मैं आपको अभी बाहर का ही एक हल्का सा टूर दे देता हूँ कि मंदिर कैसा है, और व्लॉग में आगे आप बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ आए, क्यों घूम रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं। और व्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एक ही वीडियो में पूरा भोपाल घूमने को मिलने वाला है। सो व्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपना कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से बहुत बिजी चल रहा था तो व्लॉग वगैरह शूट हो नहीं पा रहा था। आज सतना से कुछ बच्चे आए हुए हैं, लगभग 50-60 बच्चे, और हम लोग पूरा भोपाल का उनको पिकनिक टूर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे बिरला मंदिर, लेकिन आज चंद्र ग्रहण होने के कारण वो जल्दी बंद हो गया था, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग अभी सीधे आए हैं मनुभावन टेकड़ी पर, जो कि लालघाटी साइड है। अभी हम लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा ही रहे हैं, बच्चे आगे जा चुके हैं। आगे चल के मैं आपको ऊपर का टूर देता हूँ, और बाकी भोपाल के जितने भी फेमस प्लेसेस हैं आज वहाँ पर मैक्सिमम जगह हम लोग जाने वाले हैं। तो व्लॉग में आज बने रहिए, और एक ही वीडियो में आज मैं आपको पूरा भोपाल घुमा दूँगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ा आगे जाकर, कभी पैदल वगैरह तो चलते नहीं अपन, तो मैं तो काफ़ी थक गया हूँ। ये देखिए सारे बच्चे मंदिर घूम रहे हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। अभी जो मनुभावन टेकड़ी पे जैन मंदिर है ना, वहाँ पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे इस साइड थोड़ा घूमने। अभी तो हालांकि यहाँ पे काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, वरना आप कभी नॉर्मल टाइम में अगर आएंगे ना तो काफ़ी भीड़ मिलती है। बहुत खाली खाली है, बिल्कुल लग रहा है हम ही लोग आए बस यहाँ पर, और कोई नहीं है। देखिए सामने यहाँ से बड़े तालाब का व्यू दिखता है थोड़ा, और काफ़ी दूर तक पूरा भोपाल दिख जाता है यहाँ से। और इस साइड में यहाँ पर एयरपोर्ट भी है अपना भोपाल का। और ये है रोपवे, अगर आप इससे नीचे जाना चाहते हैं तो इससे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी बंद है ये। ये हमारा बॉडीगार्ड थक गया है,
तुम्हें भी स्ट्रिंग पे लाएंगे हम नीचे चल के, उसके बाद एनर्जी आएगी तुम्हारे अंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा जो कि ईदगाह हिल्स में भोपाल में ही, और यहाँ पर आज गुरु नानक जयंती है तो आप सबको हैप्पी गुरु नानक जयंती, और थोड़े से दर्शन करा देते हैं गुरुद्वारे के। भाई सब लोगों ने साफे बांध लिए यहाँ पे, मतलब जो भी है सर पे रुमाल वगैरह बांध दिए। गुरुद्वारे में लंगर चल रहा था तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना लंगर खाया जाए आज यहाँ पर। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ओए चेयर्स कर बे, डर तो नहीं लग रहा तुझे? अच्छा लग रहा था, अब इसको पी डर नहीं लगेगा। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो भाई अब अपन ये लोग आ गए हैं ताजुल मस्जिद, आज देख लीजिए अंदर से, काफी लोगों ने नहीं देखी होगी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, और पास जाकर दिखाता हूँ आपको कैसे दिखती है। ये पीछे इसका गेट है जहाँ से हम लोग अंदर आए। पैर जल रहे हैं, चला जा। ये देखो भाई ये कितना नाजुक है यार, पैर जल रहे हैं इसके, बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे इधर और इसके पैर जल रहे हैं। चलो अंदर चले अब, आ जा। क्या बात कर रहा है यार, बस घूम तो रहे हैं बच्चे, आ जा इधर से, आ जा आ जा। चलो थोड़ा अंदर का दिखाते हैं आपको कैसा है ताजुल मस्जिद। और भाई आप लोगों को पता ही होगा कि एशिया का बिगेस्ट मस्जिद है ये, यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये देखिए लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। भाई बता रहा हूँ लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं पीपल्स मॉल, और यहाँ पर बच्चों को और आपको दोनों को साथ में घुमा देंगे। अंदर मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया के सात अजूबे। बस अभी बस हम लोगों ने बाहर पार्किंग में लगवा दिए, और बस थोड़ी देर में बच्चे लोग अंदर आएंगे, फिर अपन लोग भी चलते हैं अंदर और मैं अंदर से व्यू दिखाता हूँ आपको पीपल्स मॉल का। सो गाइस अब हम लोग अंदर चलना चालू कर रहे हैं, आगे जाके बस हम लोग ने टिकट वगैरह ले लिए, सारे बच्चे पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जाते हैं हम लोग। भाई जब पहले हम लोग कॉलेज में थे ग्रेजुएशन के टाइम, तो हम लोग को अगर बंक वगैरह मारना रहता था तो हम लोग पीपल्स मॉल ही आ जाया करते थे सीधे, क्योंकि हमारे कॉलेज से काफ़ी पास था ये। यहाँ पर है टिकट काउंटर, और इधर साइड सिनेमा हॉल भी है, मतलब पीछे से बस सारे लोग आ जाएं, उसके बाद अंदर चलते हैं सीधे। हमारे दोस्तों ने टिकट्स ले लिए हैं, काफ़ी भीड़ आ रही है यार पीछे से, मतलब सारे हमारे ही लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग। सारे बच्चों की लाइन लग
सो दोस्तों देखिए, ये है अपना ताजमहल और उधर साइड में पीछे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और उसके और पीछे है ताज होटल जो कि मुंबई में है। मैं अभी सब जगह आपको आराम से ले चलता हूँ और घुमाऊंगा, व्लॉग में बने रहिए आप। हाँ भाई, मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। भाई क्या है, काफ़ी बार मैं घूम चुका हूँ और काफ़ी थक भी गया हूँ, तो अभी मैं ऊपर चढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहीं से दिखा देता हूँ ताजमहल। बाकी आप लोग कभी आएंगे तो आराम से पूरा टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पे घूमिएगा आराम से। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगरा से सीधे दिल्ली, लाल किला। तो भाई अब अपन लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के लाल किला, रेड फोर्ट, जिसमें हर साल झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को। ये रहा भाई लाल किला नकली वाला। ये तोपे रखी है सामने, नकली है। अरे भाई ये रायनो, रायनो बहुत खतरनाक होता है, मैंने सुना ये। वन वी आर में देखेंगे अगर ये वाला मिलता है तो, जैसे होगा नहीं वहाँ पर। और ये कौन सी बिल्डिंग है, आज तक बनी नहीं है, तो मैं 5 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा ये भाई सामने गौहर महल। अब इसकी क्या हिस्ट्री इतना मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए भाई गौहर महल। जब भी हम आया करते थे तो यहाँ पर ऊपर जाके भी बैठते थे, लेकिन अभी काफ़ी थक गए हैं और बैठने का मन नहीं है, इसलिए यहीं से रिटर्न जा रहे हैं। आप वहाँ पर आए तो वहाँ पर भी आइएगा, काफ़ी अच्छा लोकेशन है वो और काफ़ी अच्छे सीन्स दिखते हैं वहाँ पर भी। अब चलते हैं हम ताज होटल सीधे मुंबई, आगरा दिल्ली, अब मुंबई चलेंगे अपन। तो भाई ये सामने है आपका ताज होटल और आगरा से दिल्ली होने के बाद सीधे हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। फिर चले 92 फ्लोर पे चले भाई, अपन चाय पी के आते हैं। नहीं यहाँ पे भाई पानी वानी भी पी सकते हो आप लोग, फ्री का पानी है, मस्त ठंडा लगता है। तो भाई यहाँ से एकदम ये सामने जाओगे आप तो कुछ आईफिल टावर टाइप बिल्डिंग बनी हुई है, दो टावर है खाली की यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, हाँ आईफिल टावर ही लिखा है, ट्विन टावर। वहाँ पे भी जा सकते हैं आप लोग, आएंगे तो आराम से पूरा घूमिएगा। इस ताज होटल के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कैसा है देखता हूँ, अभी जाके दिखाता हूँ लोगों को। ये अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं ताज होटल के अंदर, आइए आज आपको दिखाई देता हूँ कि ताज होटल है कैसा अंदर से। ये टंगे धोखोड़े यहाँ पर, बंद हो गया मतलब, अच्छा रिनोवेशन का काम चल रहा है क्या? वो पहले तो खुला हुआ करते थे पता है। हाँ ना, तो ऐसा कुछ है अपना ताज होटल अंदर से। तो भाई ये कुछ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं पिकनिक में। भाई मजा आ रहा है, थक बहुत रहे होंगे, थकान हो रही है। थकान
थकान तो हो रही, बट क्या करें, मजा नहीं। मजा लेना है तो फिर थकना तो पड़ेगा ही, और भूख वूख भी लग रही होगी। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल के सीधे खाना खाएंगे अपन लोग, है ना भाई। धूप में घूमते हुए काफ़ी प्यास लग गई थी, तो हम लोगों ने ले लिया एक एक मैंगो जूस। ले भाई चेयर्स करे बिना पी रहा है यार तू, मतलब रूल्स भूल रहा है। तो भाई अभी पूरा घूम चुके हैं हम लोग। हाँ वहाँ से बाहर ही है। हाँ 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 बिल्कुल भाई, सुनो तो सुबह से कहाँ कहाँ घूम लिया? कहाँ कहाँ घूम लिया? बिरला मंदिर घूम लिया, जैन मंदिर घूम लिया, हाँ अभी यहाँ पर घूमने आए हैं पीपल्स मॉल। अच्छा, और मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं? और थके कितने हुए बताओ? नहीं थके, चलो कोई बात नहीं, फिर अभी और बचा है घूमने के लिए काफ़ी। हमारे फ्रेंड हैं, इनसे आप पूछिए कैसा लगा भाई घूमने में। बहुत अच्छा लगा मुझे, अभी काफ़ी स्पॉट्स बचे हैं और घूमना है अपन को, है ना भाई। ये और कुछ बच्चे आए हैं पिकनिक मनाने, इनको भी मैं अपने ब्लॉग में ले लेता हूँ। भाई सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, और शेयर वेयर भी कर देना यार।